मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पहले कॉमन मोबिलिटी कार्ड सिस्टम की शुरुआत की। लंदन, हांगकांग और सिंगापुर की तर्ज पर अब दिल्ली में भी लोग मेट्रो और सरकारी बसों में एक ही कार्ड से यात्रा कर सकेंगे। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पहले कॉमन मोबिलिटी कार्ड सिस्टम का उद्घाटन किया। इसके तहत दिल्ली में यात्री एक ही प्रीपेड कार्ड से मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम DTC की बसों में किराए का भुगतान कर सकेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार पहले चरण में DTC की 5421 बसों में से केवल 250 बसों को ही इस सिस्टम से जोड़ा गया, लेकिन इस साल मार्च तक सभी बसों में जोड़ने की योजना है। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि एक ही मेट्रो स्मार्ट कार्ड से मेट्रो और बस में यात्रा करने की सुविधा मिलने पर मेट्रो यात्रियों के बीच बसों की लोकप्रियता बढ़ेगी। दिल्ली में मेट्रो स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की संख्या 13 लाख है। हालांकि बीते 3 साल में DTC यात्रियों की संख्या 45 लाख से घटकर 30 लाख हो गई है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जिसने ई प्रेस ट्रेवल सिस्टम को लागू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके तहत बसों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जिसके अलावा DTC बसों में स्मार्ट कार्ड से यात्रा करने पर यात्रियों को मेट्रो की तरह किराए में कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये थी SN News की रिपोर्ट।